हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार और आप सब देख रहे हैं मछली घर। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे घर में एक छोटा सा फिश रहे, फिश बॉल रहे या बीटा फिश रहे इसमें, तो मैं आज आप लोगों को उसके बारे में बताने वाला हूं कि बीटा फिश एक स्मॉल फिश जिसका कोई भी मेंटेनेंस नहीं करना है आपको ज़्यादा। आपको एक सप्ताह में एक बार भी ध्यान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पहले कभी नहीं रखा है तो आप रख सकते हैं, इसे कोई मेंटेनेंस नहीं है। आप छोटा सा बॉल में भी रख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इतना छोटा सा बॉल में भी ये आसानी से रह लेगा। सिंगल फिश रखिएगा तो काफ़ी दिन अच्छा से ज़िंदा रह पाएगा। अगर आप सोच लिए हैं कि बीटा फिश मेरे घर में रहना चाहिए तो आपको ये छोटा सा बॉल लेना होगा, जिसमें अच्छा तरह से सेटअप करने के लिए मैं बता देता हूँ। नीचे में आपको इसमें सैंड जो आता है नॉर्मल, जो कोई भी एक्वेरियम दुकान में मिल जाएगा आप लोगों को, उसे आपको सैंड में बिछा देना है। और नॉर्मल लाइव प्लांट करके आता है, अगर लाइव प्लांट आपको नहीं लगा सकते हैं तो नॉर्मल प्लास्टिक का जो प्लांट आता है आप उसे लगा के इसे सेटअप कर सकते हैं। तो इसे आपको रखना काफ़ी आसानी है, किसी भी टेबल वगैरह कहीं पर भी आप ऐसे करके रख सकते हैं। इसे ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा जब इसमें पूरी अच्छी तरह से सेटअप हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ कि इसे किस तरह से रखना पड़ता है। बीटा फिश यानी फाइटर फिश दो वैरायटी के होते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो मेल का जो होता है उसका पंख बड़ा बड़ा होता है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप सब इसमें देख रहे होंगे, ये मेल है, इसका पंख जो है, फिन जो है, बहुत बड़ा बड़ा है। और इसमें भी वैरायटी आता है, मैं आप लोगों को उसको बताने वाला हूँ। जो मेल होता है उसका पंख जो है वो फैला हुआ रहता है, और इसी में भी फुल मून, हाफ मून और नॉर्मल तीन टाइप के वैरायटी होते हैं मेल में। तो फ्रेंड्स, जो फुल मून रहता है उसका जो फिन का शेप रहता है वो फुल राउंड में रहता है, और हाफ मून रहेगा जिसका सर के साइड में कम रहेगा और वो हाफ राउंड रहेगा, उसे हाफ मून बोला जाता है। और नॉर्मल जो जिसका फिन इस तरह से, जो नॉर्मल मैंने पकड़ा हुआ है वो नॉर्मल है, जिसका लगभग हाफ मून के करीब रहता है, ये नॉर्मल आता है फाइटर। और फीमेल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फीमेल मेरे दूसरे टैंक में, मैं आप लोगों को उसे दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब फीमेल फाइटर देख सकते हैं, यही फीमेल फाइटर है। इसका फिन नहीं के बराबर में होता है जो आप देख रहे हैं, मेरे पास 15-20 के संख्या में है। तो फ्रेंड्स, जो इसका मैक्सिमम साइज है वो लगभग 7 सेंटीमीटर तक ही जाता है, उससे बड़ा नहीं होता है। और ये लगभग सभी कलर का मिल जाता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसका एज का बात कर ले तो ये 3 से 5 साल तक आसानी से रह लेता है। तो नॉर्मल जो आपको प्राइस जो पड़ जाएगा, आपको नॉर्मल ये आता है आपको 40 से लेके 80 तक आएगा, और जो हाफ मून है वो 100 से लेके 150 तक आ जाएगा। फुल मून जो है वो लगभग 200 से 300, और जो इम्पोर्टेड क्वालिटी होते हैं 500 से 1000 तक का भी ये आता है। और कलर बता दें फ्रेंड्स, तो ये सभी कलर का लगभग आ जाता है। और इसे फीडिंग करना बहुत ही आसान है, आप 1 वीक में 1 से 2 बार भी 4-4 दाना करके डाल दिए तो वो काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि ये सब 1 मंथ में एक बार भी खा लेते हैं तो काफ़ी रहता है इन लोगों के लिए। और जनरली लोग इसे खरीदते नहीं हैं जल्दी क्योंकि काफ़ी स्मॉल रहता है और प्राइस जो रहता है इसका काफ़ी हाई रहता है। बीटा स्मॉल गप्पी के साथ रह लेगा, मौली के साथ रह लेगा, यही सब छोटे छोटे फिश के साथ में आसानी से रह लेता है ये। तो फ्रेंड्स, इसके फूड का भी बात कर लेते हैं, हम लोग कौन कौन सा फूड इसे देना चाहिए। तो नॉर्मल जो आता है ऑप्टिमम का, ये बीटा करके ही इसके लिए स्पेशल बनाया हुआ आता है, देख रहे होंगे आप लोग, बीटा फिश फूड ऑप्टिमम का एक स्पेशल आता है। और इसे आप टेट्रा बीट्स भी दे सकते हैं। और जो इसका दाना होता है एकदम माइक्रो पैलेट होता है, मतलब छोटे छोटे एकदम महीन महीन होते हैं। और इसे आप लोग, और फ्रेंड्स, इसे आप ब्लड ऑर्म भी दे सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा से ये लोग खाते हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता उससे। और फ्रेंड्स, हम लोग मेडिसिन का बात कर लेते हैं, तो नेचुरल सेटअप रहेगा तो उसमें मेडिसिन की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। और अगर आप लोग टैंक में रहते, और उसके लिए रेड ऑयल आता है आप देख रहे होंगे, तो इसे आप लोगों को, छोटा टैंक है तो 10 लीटर का है तो उसमें 10 बूंद काफ़ी रहेगा, और थोड़ा बड़ा टैंक है तो 1 लीटर 1 बूंद के हिसाब से आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब फाइटर फिश जो रहता है सिंगल ही रहता है हमेशा, आप उसे एक ही रह सकते हैं, अगर दो रखेंगे तो वो आपस में फाइट करने लगते हैं, इसके लिए उसका नाम फाइटर है। तो वो कभी कभी क्या होता है कि उनका पंख में
फंगस लगने लगता है और वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगते हैं और उसका पंख जो है धीरे धीरे गलने लग जाता है। तो उसमें आप लोग को इसे देना है, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल दे जब उसका फिन गलने लग जाए तब। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग फिश बॉल में रखे हैं तो इसका ये करना है कि एक छोटे से प्लास्टिक का आप लोगों को मग लेना है, इसमें से आप लोगों को हाफ वाटर चेंज करना है। ये भी 4 से 5 दिन में, या जब आपको लगे कि गंदा हुआ है तब आप लोगों को चेंज करना है। तो ये हाफ आपको चेंज करना है वाटर, ताकि इसका जो अंदर का इन्वायरमेंट है वाटर का जो है वो बना रहे आप लोग का, ताकि फिश को कोई नुकसान ना हो। और अगर आप लोग फिश टैंक में रखे हैं तो उसे आप नॉर्मल 15 से 20 दिन या जब भी गंदा हो तो उसका हाफ वाटर निकाल के आप हाफ वाटर उसमें डाल के चेंज कर सकते हैं। पूरा वाटर आप लोगों को नहीं चेंज करना है क्योंकि प्रॉब्लम होने लगती है कुछ दिनों में। अग्रेसिव का बात कर ले तो मेल मेल अगर 2 फाइटर आप रख सकते हैं तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये फाइटर फिश ही है, आपस में काफ़ी ज़्यादा फाइट करते हैं, जिसके वजह से एक दूसरे के पंख जो होते हैं वो नोचने लग जाते हैं, जिसके वजह से दोनों का मौत हो जाता है। इसलिए 2 फाइटर फिश एक टैंक में नहीं रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर 2 रखना है आप लोगों तो एक मेल और एक फीमेल रख सकते हैं। फीमेल का जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फीमेल बहुत सारी एक साथ में रह लेती है, 40-50 की संख्या में भी आराम से रह सकती है। अगर केवल फीमेल आप लोगों को रखना है तो वो आपस में फाइट नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पहले आप भी बीटा फिश रखे हैं तो वो भी बता सकते हैं कौन सा बीटा फिश रखे हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।